बैटरी को कैसे रिपेयर करते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। सबसे पहले सेल में चार्ज देख लो कितना है। इसका सेल में चार्ज है 3.9, ठीक है। लेकिन इसका पत्ता में कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं आ रहा है इसका पत्ता में। तो ये एक्चुअली ये बैटरी के पत्ता में जो भी आईसी वगैरह रहता है, ये सब कभी कभी हैंग हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं आता है। तो ये ज़्यादातर ये जो फ्यूज़ है इसको शॉर्ट करने से ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे भाई मुझे बोला, भाई रजिस्टर प्रॉब्लम में मैंने फ्यूज़ शॉर्ट कर दिया लेकिन अभी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका कारण है, ठीक है। यहाँ पर देखा आपने, कुछ भी वोल्टेज नहीं आया। तो एक काम करना है भाई, हर एक बैटरी में कुछ कैपेसिटर, कुछ रेजिस्टेंस रहता है, कुछ आईसी वगैरह रहता है, ये सबको क्या करना है, ट्वीजर से शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट करके छोड़ना है इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से ट्वीजर को अगर आईसी का पिन दिख जाए तो आईसी का पिन में भी ऐसा करके शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ऐसा करने से इसका आईसी जो हैंग हो के बैठ गया है वो खुल जाएगा, फिर ये बैटरी पत्ता में वोल्टेज आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, बैटरी पत्ता में वोल्टेज आ गया, ठीक है।